कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक शीला दीक्षित का निधन हो चुका है, लेकिन आज से 34 साल पहले उन्होंने मौत को मात दे दी थी। उस वक्त शीला दीक्षित पंजाब विधानसभा चुनाव से अपनी अंतिम रैली खत्म कर अमृतसर लौट रही थी। शीला दीक्षित ने अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ में लिखा है कि संत हरचरण सिंह लोंगोवाल की 20 अगस्त 1985 को हत्या के बाद पंजाब में हालात बिगड़ने लगे थे। इसी बीच पंजाब में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। राजीव गांधी ने 25 दिसंबर को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का जिम्मा शीला दीक्षित को सौंप दिया था। बटाला से रैली खत्म कर शीला कार से अमृतसर के लिए रवाना हो गईं। कार में उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर के अलावा इलाके के सांसद भी मौजूद थे। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। बटाला से अमृतसर की दूरी करीब 42 किलोमीटर थी। ड्राइवर ने कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही खाना खा लेते हैं, वरना अमृतसर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। शीला के हाँ कहते ही ड्राइवर ने रेस्टोरों पर गाड़ी रोक दी। शीला दीक्षित के साथ कार में बैठे सभी लोग रेस्टोरों के अंदर पहुँच गए। शीला कुर्सी पर बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक्स का पहला घूंट ले ही रही थी कि बाहर खड़ी कार में ज़ोरदार धमाका हो गया। कुछ समय पहले शीला जिस कार में बैठी थी उसके परखच्चे उड़ चुके थे। इस हमले में शीला और उनके साथियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार के पास मौजूद 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हमले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार के अंदर टाइम बॉम्ब लगा हुआ था।